दोस्तों, एजुकेशनल वंदे मातरम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बीच में भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम संविधान सभा के गठन के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के विचार का सर्वप्रथम प्रतिपादन हेनरी मेन ने किया था, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम अमेरिका व फ्रांस ने अपनाया था। सन 1922 में गांधी जी का कथन था, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। औपचारिक रूप से संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग 1934 ईस्वी में एम.एन. राय द्वारा किया गया। कांग्रेस के मंच से संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग 1935 में किया गया। क्रिप्स मिशन 1942 में आया, जिसमें अंग्रेजों ने संविधान सभा एवं संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया। इसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 में, इसके आधार पर संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार के गठन किया जाएगा यह प्रावधान किया गया था। चलिए कैबिनेट मिशन के बारे में देखते हैं। कैबिनेट मिशन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में भारतीयों को स्वतंत्र कराने की घोषणा की, जो लेबर पार्टी से संबंधित हैं। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारत में अंतरिम सरकार अथवा अस्थायी सरकार का गठन करना एवं संविधान सभा का गठन एवं निर्माण करना। कैबिनेट मिशन के सदस्य जैसे पैथिक लॉरेंस स्टेफोर्ड किप्स, ये भी अलेक्जेंडर थे। इसमें पैथिक लॉरेंस जो थे वे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। 24 मार्च 1946 को यह मिशन दिल्ली पहुंचा। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, देखते हैं। पहला है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। दूसरा है, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। इसका तीसरा देखते हैं, संविधान सभा की कुल संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें 292 सीट ब्रिटिश प्रांत से, 4 सीट कमिश्नरी क्षेत्र से, 93 सीट देसी रियासतों से, जो नवाबों द्वारा मनोनीत सदस्य चुने गए थे। हैदराबाद की रियासत से कोई प्रतिनिधि नहीं शामिल हुआ। अगला बिंदु देखते हैं, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, अनुसूचित जातियों की संख्या 26 थी तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 थी। संविधान सभा आंशिक निर्वाचित एवं आंशिक मनोनीत थी। संविधान सभा पूर्ण निर्वाचित नहीं थी, इसमें कुछ लोगों का चुनाव हुआ था एवं कुछ लोग मनोनीत किए गए थे। चुनाव के बाद परिणाम देखते हैं, कांग्रेस ने 208 सीट प्राप्त किया, मुस्लिम लीग ने 73 सीट प्राप्त किया, निर्दलीय सदस्य ने 8 सीट प्राप्त किया, छोटी पार्टियों ने 7 सीट प्राप्त किए, देसी रियासतों ने 93 सीट प्राप्त की। कुल सदस्य संख्या ही संविधान सभा में निर्वाचित, कुल 296 सदस्य ही संविधान सभा में निर्वाचित हुए, बाकी क्योंकि देसी रियासतों से 93 सदस्य नवाब द्वारा मनोनीत किए गए थे। बंटवारे के बाद सदस्यों की संख्या 299 हो गई। आगे देखते हैं अंतरिम सरकार का गठन। कैबिनेट मिशन के तहत 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। इसमें कुल 13 सदस्य थे। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई, जिससे मंत्रिमंडल सदस्यों की संख्या 15 हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कथन है, यह एक देश की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। यहीं पर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, जो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। चलिए आगे देखते हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में की गई, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग द्वारा
इस बैठक का बहिष्कार किया गया। देशी रियासतों का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ। इसके अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। एक चर्चिल का महत्वपूर्ण कथन है, संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 के हुई। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया। इसमें दो उपाध्यक्ष चुने गए, पहला थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी, दूसरा B.T. कृष्णमचारी थे। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना उद्देशिका का आधार बना। चलिए आगे देखते हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का संविधान सभा पर प्रभाव। इसका पहला प्रभाव था, संविधान सभा संप्रभु सभा बन गई। जैसे कि पुराने विधियों में संशोधन समापन करने का अधिकार भारतीयों को प्राप्त हो गया, अपने तरीके से संविधान बनाने की अनुमति भी मिल गई। दूसरा है, संविधान सभा अब विधायिका यानी कि संसद बन गई। इसमें संविधान का निर्माण करना, भारत में विधि का निर्माण करना, विधायिका के अध्यक्ष G.V. मावलंकर को बनाया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। अगला, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन। भारत पाक बंटवारे के बाद कुल सदस्य संख्या 299 ही बच गई थी, जिसमें ब्रिटिश भारत से 229 सदस्य, देशी रियासतों से 70 सदस्य ही बचे थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आगे थोड़ा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में देख लेते हैं, जिन्हें हम लोग संविधान का निर्माता कहते हैं। ये पूर्वी बंगाल क्षेत्र से चुनाव जीतकर संविधान सभा का सदस्य बने, परंतु पाक भारत बंटवारे के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया, जिससे कि सदस्यता खत्म हो गई। इसके बाद ये M.R. जयकर ने पूना क्षेत्र की सीट से इस्तीफा दिया और मुंबई के पूना क्षेत्र से उपचुनाव द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुनः संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।